हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल के कुछ बेसिक टॉपिक्स यानी कि हम पूरा बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या ऑर्गन्स शामिल होते हैं। ये एक बिगिनर्स के लिए है जो नहीं जानते कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है और क्या कहाँ पर होता है, ये मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप जान लें कि एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं। मुँह से लगा करके एनस तक के रास्ते को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मुँह होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से एनस आ जाता है। तो इसमें दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। पहले तो आप समझ गए होंगे एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, मुँह से लगा करके एनस तक के रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो मेन ऑर्गन्स है जिनसे खाना जो है हमारा गुजरता है, पास होता है, यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ता है। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है सहायक या साथ देने वाले ऑर्गन्स, यानी कि ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, इन ऑर्गन्स में खाना पास आउट नहीं होता, मतलब इनसे होकर के गुजरता नहीं, लेकिन ये मदद करते हैं डाइजेशन में। यहाँ माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। माउथ तो आप जानते ही हैं, मुँह मुँह में क्या क्या होता है, मुँह के अंदर आप देखेंगे ओरल म्यूकोसा होता है, ठीक है, म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा भी कहते हैं उसको, मुँह के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम बकल म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है, उसी में दांत मौजूद होते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर खाना भी, मतलब खाने की भी नली जुड़ी हुई है और वहीं से आपको मैं बना कर दिखा दूँ, अगर वहीं से जो है आगे सांस की नली बनी हुई होती है। इस तरह से मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये जैसे कि इसोफेगस जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मुँह शुरू हुआ, मुँह से आपने खाना खाया, ये एक इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, इसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से खाना नीचे जाता है और सांस जो ले रहे हैं नाक के ज़रिए वो भी यहीं से गुजरती हुई आगे इधर ट्रेकिया में आती है। तो ये कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग्स किसको बोलते हैं, एक तरह का ट्यूब होता है, मतलब ये इतनी जगह जो है ना इसको फेरिंग्स कहेंगे, यहाँ पर खाना भी गुजरता है, सांस भी यहीं से होकर के इधर आती है, एयर, आप समझ गए होंगे फेरिंग्स किसे कहते हैं। इसोफेगस क्या है, खाने की नली को कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको एक फिगर के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। ये जो है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ से माउथ शुरू हुआ, फिर यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, यहाँ से आपने खाना खाया, खाना यहाँ पहुँचा तो मुँह के अंदर जब आप खाना चबा रहे होते हैं तो यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इन सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है और कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ पर सलाइवा क्या होता है, यानी कि थूक निकल रहा है यहाँ से बन करके, वो क्या करता है, खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है, जो खाना चबा लेते हैं आप वो बॉलस उसको कहते हैं। फिर ये खाना चबा के आपने अंदर किया तो फेरिंग्स में पहले आएगा, उसके बाद ये आपका ईसोफेगस के ज़रिए अंदर चलाएगा, ये ईसोफेगस है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, उसके बाद ये स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के बाद ये खाना कहाँ आता है, ड्यूओडेनम में आ जाता है, ड्यूओडेनम के बाद आएगा आपके जेजुनम में, इलियम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ये इस तरह से खाना होता हुआ गुजर जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद उन बच्चों के लिए है ये कि जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, स्टमक होता है तो कहाँ पर होता है, कैसा होता है, क्या काम होता है, ये सब डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है छोटा सा ग्रीन कलर का, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये लीवर है, लीवर में ही गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ अलग से, ये देखिए ये लीवर का पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि लीवर को हम पीछे से देख रहे हैं, सामने से देखने पर एकदम पूरा फ्लैट होता है, पीछे क्या क्या इसके होता है, पीछे अगर हम पलट दें, ऐसे गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, इसी में क्या होता है, लीवर क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, बाइल होता है, बाइल होता है, बाइल पिगमेंट होता है, वो सारा बाइल क्या होता है आकर के इसमें स्टोर हो जाता है, यानी कि स्टोरेज का काम करता है गॉल ब्लैडर। यहाँ जब ये भरा रहता है, जब आप खाना खाते हैं, खाना जब आ जाता है ड्यूओडेनम में तो तुरंत ही यहाँ से ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहाँ से बाइल
निकल जाता है, ताकि ये आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा और फिर खाने को डाइजेशन में मदद कराएगा। ये हो गया लीवर। लीवर हम पीछे से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो इस तरह से होता है। उसके जस्ट पीछे ये गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर की ये नली जो यहाँ से आती है उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। पहले जो निकलती है मतलब जो गॉल ब्लैडर से निकली उसको सिस्टिक डक्ट कहा। लेकिन एक डक्ट इधर से भी आ रही है, दो डक्ट आ रही है सॉरी, लीवर से दो नलियाँ आती हैं। डक्ट का मतलब नली, हेपेटिक डक्ट्स कहलाती है। दो हेपेटिक डक्ट मिल करके और ये सिस्टिक डक्ट मिल करके जो है कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। फिर ये जो है आकर के यहाँ मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ये पैनक्रियाज है। हमने बताया था कि पैनक्रियाज से भी एंजाइम्स आते हैं डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज की नली में आकर के इस तरह से मिलती है कि ये दोनों आकर के इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले हिस्से में खुल जाता है। चलो अभी स्टमक को भी देख लेते हैं। स्टमक क्या होता है? ये जे शेप का ऑर्गन, जिस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे होता है उसी तरह से ये बना हुआ होता है। ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक के हिस्से अलग अलग होते हैं। ये फंडस है, इस हिस्से को बोलते हैं। ये बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये कर्वेचर, कर्वेचर मतलब घुमाव। तो एक लेसर कर्वेचर, ये छोटा घुमाव है, और ये बड़ा घुमाव है तो उसको बोल दिया हमने ग्रेटर कर्वेचर, ठीक। और ये यहाँ पर वाले हिस्से को हम एंट्रम बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में एंट्रम बोलते हैं। और ये आगे जो हिस्सा थोड़ा सा और पतला हो गया इसको पाइलोरस बोल दिया। ये आगे जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? डियोडिनम कहलाता है। इसमें हम एक चीज़ देखना भूल गए थे कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या कितने होते हैं और कैसे ओपनिंग उनकी होती है। जैसे यहाँ पे जो खाना खाते हैं उसी दौरान यहाँ से सिक्रीशन चालू हो जाता है। ये पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कान के सामने होता है, और उसकी नली आकर के इधर वाले दांत, ऊपर वाले दांत के पास खुल जाती है, ठीक है, मुँह में। और ये नीचे होता है, जबान के नीचे खुलती है एक ओपनिंग। ये कौन सा ग्लैंड है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड और एक सब लिंगुअल ग्लैंड है। तीन ग्लैंड हो गए तीन तरह के। तो ये डक्ट आकर के खुलती है मुँह में। जैसे खाना खाते तुरंत ब्रेन से सिग्नल यहाँ आता है और ये इनको यहाँ से सिक्रेशन कराता है, यानी कि सलाइवा निकलता है, फिर ये खाने में मिल जाता है। आज हम रफली देख रहे हैं कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, फिर हम आगे वीडियोस में बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होती है। जैसे हमने खाना खाया तो ये फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद ये खाना इस रास्ते में आता है, ईसोफेगस कहते हैं। ये ट्रेकिया बना रखी है हमने, इसके ऊपर ढक्कन होता है, जब हम खाना निगलते हैं तब ये बंद हो जाता है, ठीक है। इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खाना यहाँ आ जाता है तो उसका डाइजेशन कुछ हिस्सा यहाँ पर होता है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ता है यहाँ आता है तो फिर यहाँ से लीवर का और पैनक्रियाज का सिक्रीशन आकर के इसमें ड्यूडिनम में आकर के मिल जाता है, ठीक है। ये यहाँ से डक्ट आई है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आई है और ये ड्यूडिनम में आकर के मिल जाता है। फिर ये खाना यहाँ पचता है, डाइजेशन होता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर ये यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये चढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। तीन हिस्से हो गए, और ये रेक्टम है, फिर ये एनस है। तो फिर यहाँ से ये फीसेस एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कैसे कहाँ पर ऑर्गन जो है, सिचुएशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। थैंक यू।